ये डिसऑर्डर्स हैं और इनको बेसिकली जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं नर्वस सिस्टम के टू टू मेन टू मेन टाइप्स हैं डिसऑर्डर्स की कौन कौन से हैं द फर्स्ट वन इज द वास्कुलर डिसऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज द फंक्शनल डिसऑर्डर सो स्टूडेंट्स वेन वी टॉक अबाउट द वास्कुलर डिसऑर्डर रिमेंबर वन थिंग दैट द वॉस्कुलर वर्ड इज यूज फॉर द नेटवर्क ऑफ द वैसल्स ब्लड वेसल्स टैट आर प्रेजेंट इन आर बॉडी जो वॉस्कुलर का वर्ड है वो हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए यूज होता है उन सबको वो वॉस्कुलर की कैटेगरी में आती हैं इसमें सारी ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती हैं ये हमारी आर्टरीज भी हो सकती हैं ये वेंस भी हो सकती हैं ये कैपलरीज भी हो सकती हैं इनको हम वॉस्कुलर में इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर जो हमारे कोई जो डिसऑर्डर है वो वॉस्कुलर डिसऑर्डर हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एबनॉर्मेलिटी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी वो किस में होगी हम लोगों की ब्लड वेसल्स में सो दिस वॉस्कुलर डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स ये हम लोगों की ब्लड वैसल्स से रिलेटेड होगा और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें आगे फर्दर आपको पता है कि थ्री कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें आर्टरीज वीन्स और कैपलरीज होती हैं तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर है ये इनसे रिलेटेड होगा

कि वो ब्लड जो सप्लाई किया जा रहा होता है नर्वस सिस्टम की तरफ हमें पता है कि वो ब्लड हार्ट से नर्वस सिस्टम की तरफ थ्रू द आर्टरीज जाता है तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हो हम कहेंगे कि ये वॉस्कुलर डिसऑर्डर है वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हो जाए वो डिस्टरबेंस क्या हो सकती है माय भी पॉसिबल कोई क्लॉट बन जाए या फिर वो रप्चर हो जाए तो उस वक्त क्या होगा कि जो ब्लड है वो नर्वस सिस्टम की तरफ नहीं पहुँच पाएगा तो इसको हम कहेंगे वॉस्कुलर डिसऑर्डर और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास पैरालिसिस और जो जब हमने फंक्शनल डिसऑर्डर की बात की है यहां पे बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है डिस्टर्बेंस होती है इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कि वो नर्व इम्पल्सिस जो जनरेट होती हैं वो सिग्नल्स जो कि जनरेट होते हैं बाय द न्यूरॉन्स हमें पता है कि जो नर्व सिग्नल है जो न्यूरोन जनरेट करते हैं फॉर द मैसेजिंग मैसेजेस भेजने के लिए मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाए मतलब ये कि अगर नर्व एम्पल्स जनरेट ही ना हो या फिर जो मैसेज ब्रेन से वापस आना है टू वर्ड्स द इफेक्टर वो ना आए तो उस वक्त बेसिकली क्या होगा उस वक्त जो डिस्टर्बेंस होगी उसको हम कहेंगे ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं और इनकी एग्जाम्पल है हमारे पास एपिलिप

और दूसरी टाइप बेसिकली फंक्शन फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें आप एग्जांपल लेंगे एपिलिप्सी की एपिलिप्सी में आपने सुना होगा मिर्गी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है ये बेसिकली एपिलिप्सी है मिर्गी एपिलिप्सी को कहते है, और को हैं और इसमें लोगों को दौरे पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं इस तरह का रिएक्शन शो करते हैं सो स्टूडेंट दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन Uh, how can you differentiate between the vascular and the functional disorder? So, students, you will write from the vascular disorder till generation and transmission. This is the answer of the second question. And remember one thing, students, never forget the example when you are uh, writing the difference. ऑलरेडी स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द पैरालसिस इन डिटेल सो द फर्स्ट थिंग इज दट इज पैरालसिस पैरालिस इज द कम्पलीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप यहां पर क्या है कि अगर पैरालिस बेसिकली क्या है अगर जो मसल के ग्रुप्स हैं हम अगर एक मसल के ग्रुप की बात करें या फिर मसल्स के ज्यादा ग्रुप वो अगर अपना काम करना छोड़ दें तो उस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज पैरालिसिस यू कैन यू कैन ऑब्जर्व इट और यू कैन सी इन द डेफिनेशन डेट पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स सो स्टूडेंट्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरालिसिस एंड हाउ दिस पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय जब हम इसकी रीज़न की बात करते हैं कि ये कैसे इसकी क्या वजह होती है क्यों पैरालस हो जाती है सो द रीज़न इज इट इज़ कॉज बाय द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हमारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी डैमेज हो जाए ब्रेन और स्पाइनल uh, कॉर्ड दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में भी हो सकता है तो अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो जाए तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये पैरालिसिस की कॉज बनता है इट इज कॉज बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये डैमेज कैसे हो सकता है इट इज ड्यू टू द स्ट्रोक स्ट्रोक बेसिकली एक सीरियस कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और कौन सी ब्लड वेसल रप्चर होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्योंकि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लड वैसल रब्चर होंगी आ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि वो ब्लड वैसल्स जो ब्रेन की तरफ ब्लड लेकर जा रही हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व लेकर सॉरी ब्लड लेके जा रही हैं तो अगर उसमें कोई डैमेज होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है स्ट्रोक माइट भी पॉसिबल कि वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाए ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है कि क्लोड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो ब्लड की सप्लाई है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नहीं हो पाएगी तीसरी कंडीशन ये है कि कोई भी पॉइजन जैसे अगर हम पोलियो वायरस की बात करें कि अगर जो पोलियो वायरस जो पॉइजन प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं होगी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कंडीशंस की वजह से क्या होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा वो डैमेज हो सकता है स्ट्रोक की वजह से भी जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाए ब्लड क्लोटिंग हो जाए या फिर कोई भी पॉइजन सी किया जाए वायरस की, की वजह से तो इन ये सारी कंडीशन है कि ये डैमेज कॉज करेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब डैमेज होगा तो उसमें क्या होगा ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये अपना फंक्शन प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगा सो व्हाट हैपन इट विल कॉज द पैरलिस स्टूडेंट्स से जो पैरालिस है बेसिकली ये वीक पैरालसिस भी हो सकती है मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके जो फुल बॉडी पार्ट में हो ऐसा हो सकता है कि बॉडी के पहले कुछ पार्ट में हुई है फिर वो आहिस्ता आहिस् भरती भी जाती है ये भी कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है कि पैरालिस इन साइड ऑफ द बॉडी ऐसा हो सकता है कि ये आपकी बॉडी की एक साइड में हो और दूसरी साइड में पैरालिस ना हुआ हो और तीसरी कंडीशन ये है कि ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मींस कि आपका जो फुट वाला पोर्शन है वहाँ पे हो लेग्स में हुई हो तो ये बेसिकली इनको हम कहेंगे एक्सट्रीमिटीज़ का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली जो हमारे बॉडी के एंड पार्ट्स होते हैं जिनको जैसे हमारी लिम्स हैं हमारे हाथ और पाँव इनको हम कहते हैं ये हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं अगर यहाँ पर पैरालिस हुई हो तो लोअर पार्ट में अगर हो भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑल फोर लिम्स लिम्स का मतलब हमारे हाथ दोनों हाथ और दोनों पाँव इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है फोर लिम्स तो इन दोनों इनमें भी पैरालिस uh, हो सकती है सो दिस इज दिज आर द सम दीज आर द सम कंडीशंस इन विच द पैरालिस कैन आकर इन द इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल पार्ट ऑफ द बॉडी किसी भी तरह से ये पैरालिस हो सकती है सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर द पैरालिसिस और यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ वो ये है कि आपने डिफाइन भी करना होता है पैरालिसिस को वट इज़ पैरालिसिस ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ पे आपसे रीजन भी पूछी जा सकती है वट आर द दॉज ऑफ द पैरालिसिस तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इट इज़ कॉज बाई डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यू टू द स्ट्रोक Or uh, clotting or poison produced by the polio virus. So, this is all for the paralysis. Sir. Hope so, all the things are clear to you. Thank you so much.